तो प्रद्युम्न मर्डर केस में जैसे जैसे बातें सामने आ रही हैं, हर इंसान चौंक जा रहा है, लेकिन उतनी ही चौंकाने वाली अगली खबर भी है। क्या कोई 4 साल का बच्चा यौन शोषण कर सकता है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, लेकिन आज इस खबर ने सबको सख्ते में डाल दिया। दिल्ली के द्वारका में एक नामी स्कूल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और महज 4 साल के एक छात्र पर यौन शोषण का संगीन आरोप लगा है। आरोप है कि क्लास में साथ पढ़ने वाली 4 साल की ही एक छात्रा का यौन शोषण किया गया। घटना की जानकारी बच्ची ने अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने स्कूल प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, लेकिन इस बारे में स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में परिवार वालों ने पुलिस से मामले की शिकायत की और पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। अब पुलिस इस मामले पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से राय ले रही है। स्कूल की लापरवाही को लेकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लीगल एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लेकर केस तो दर्ज किया गया है, साथ ही जो पॉक्सो एक्ट में जो प्रावधान है जिसमें सेंसिटिव हैंडलिंग का, उसका पूरा ध्यान रखते हुए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या काउंसलर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। और चूंकि ये मामला जो एलिज्ड है वो क्लास का वो छोटा बच्चा है, टॉडलर है, बाकी और सर्कमस्टांसिस की जांच हो रही है इन्वेस्टिगेशन में। राजधानी दिल्ली में यौन शोषण का बेहद अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में जहां के मैक्सफोर्ड स्कूल के अंदर एक 4 साल की बच्ची ने अपने ही सहपाठी 4 साल के एक छात्र पर यह आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसका यौन शोषण भी किया गया है। पुलिस ने बकायदा मामला दर्ज किया है और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला शुक्रवार की रोज का है, जब बच्ची अपने घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को ये बात बताई कि उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद जो बच्ची की माँ थी वो स्कूल पहुंची, स्कूल वालों को सारी बातें बताई और ये बात कही कि जो बच्चा है उसकी क्लास में पढ़ने वाला उसके साथ ही उसने ये हरकत की है। और इतना जरूर है कि स्कूल के अंदर इस तरह की घटना हो जाना स्कूल की लापरवाही को दर्शाता है। और जिस तरीके से पिछले दिनों इस तरह की लगातार चीजें हुई थी उसके बाद तमाम सवाल उठे थे प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, और अब ये एक और मामला सामने आया है दिल्ली के द्वारका इलाके के अंदर एक नामचीन स्कूल के अंदर। बहरहाल पुलिस का यहाँ पर यही कहना है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।